Hello students, good morning to all of you. Today we are going to solve problems of exercise 7.3 from NCERT book of mathematics. Your first question is here. In this question, given that in figure triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If D is extended to intersect BC at P, so that first triangle ABD congruent to triangle ACD, second triangle ABP congruent to triangle ACP, third AP bisect A angle A as well as angle D, and in fourth part, AP is perpendicular bisector of BC. ये आपको प्रूव करना है, ठीक है? तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने फिगर फिर से ड्रॉ कर लिया है, और इसमें हम गिवेन लिखते हैं. पहले गिवेन है आपको एज गिवेन ट्रेंगल एबीसी इज ए आइसोसेल ट्रेंगल, देयर फॉर ए बी इक्वल एसी. ट्रेंगल डीबीसी इज आल्सो आइसोसेल ट्रेंगल, देयर फॉर बीडी इक्वल सीडी होगा, ठीक है? टू प्रूव क्या करना है उसको भी राइट कर लेते हैं, थोड़ा इजी होता है. टू प्रूव फर्स्ट ट्रेंगल एबीडी, ट्रेंगल एबीडी कंग्रुएंट ट्रेंगल एसीडी, सेकंड आपको प्रूव करना है ट्रायंगल एबीपी कंग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी, थर्ड पार्ट में आपको करना है ये एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी. इसका मतलब हुआ कि आप बीएडी और सीएडी को आप इक्वल दिखा देते हैं तो आपका हो जाता है ये, और ये इक्वल दिखाना पड़ेगा. तो थर्ड पार्ट के लिए आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बीएडी इक्वल एंगल सीएडी, तो बाइसेक्ट हो जाएगा, ये दिखा देंगे. और फिर एंगल बीडीपी और एंगल सीडीपी ये आप दिखा देंगे तो आपका ये थर्ड पार्ट हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ पार्ट में आपको दिखाना है, इन फोर्थ पार्ट
AP perpendicular bisector of BC. AP perpendicular bisector of BC. That is, आपको इसमें आपको शो करना है AP perpendicular BC और BP equal CP. ये आप दिखा देंगे तो ऐसा हो जाएगा. ये फोर्थ पार्ट इसको दिखाना पड़ेगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ. यहाँ से प्रूफ पहला फर्स्ट पार्ट इन फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल एबीडी कंगुएंट एसीडी दिखाना है. तो हम देखते हैं क्या है गिवन इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी आपको ए बी इक्वल ए सी हुआ गिवन है क्वेश्चन में. गिवन यहाँ दिया हुआ है ए बी इक्वल ए सी. फिर बी डी इक्वल सी डी. बी डी इक्वल सी डी गिवेन है एंड ए डी इक्वल ए डी कॉमन. ए डी इक्वल ए डी कॉमन है दोनों ट्रायंगल में. दोनों ट्रायंगल में कॉमन. ठीक है, तो हो गया आपका. दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी. कंग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाय ट्रिपल एस कंग्रुएंट रूल. ट्रिपल एस 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 कंग्रुएंस कंडीशन है, उसके अनुसार ये कंग्रुएंट हो गया. ठीक है, इससे हम एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं. एंगल दिस इंप्लाइज एंगल बी ए डी एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी. इसको वन डालकर छोड़ देते हैं. ठीक है, तो एंगल बी ए डी इक्वल सी ए डी. ठीक, तो अब हम प्रूफ सेकेंड करते हैं. पार्ट सेकेंड प्रूफ करते हैं. इसमें आपको क्या करना है, इसमें सेकंड में ए बी पी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी. ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल को लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी पी इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी क्या क्या गिवन हुआ. हो गया आपका ए बी इक्वल ए सी है गिवन है. आपको क्वेश्चन में लिखे गिवन है.
इससे एक आर आपको मिलेगा बी डी, बी डी इक्वल सी डी, बी डी इक्वल सी डी, सॉरी दिया हुआ है इससे, ये तो दिया हुआ है ठीक। ये ए बी पी ए सी पी में आपका हो गया ए बी इक्वल ए सी और एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी, सी ए डी ये एंगल इक्वल हो गया। ये फ्रॉम वन वन में ये आपका सी पी सी टी हुआ, सी पी सी टी बी ए डी इक्वल सी ए डी, कंग्रुएंट एंगल है ये दोनों ठीक है। तो बी ए डी इक्वल सी ए डी, ए पी ए पी कॉमन हुआ, ए पी इक्वल ए पी कॉमन, कॉमन साइड है दोनों के लिए। तो ये हो गया आपका साइड हुआ, ये एंगल हुआ, फिर ये साइड हो गया तो कंग्रुएंट हो गया एंगल ए बी पी कंग्रुएंट ट्रेंगल एस सी पी, ट्रेंगल एस सी पी बाई एस ए एस कंग्रुएंस कंडीशन रूल से आपका ये कंग्रुएंट हो गया ठीक है। तो ये आपका मिल गया, इसमें आपको एक ये कर लीजिए बी पी इक्वल सी पी, बी पी इक्वल सी पी, सी पी सी टी, सी पी सी टी, इसको सेकंड नंबर डालकर छोड़ दीजिए ठीक है। और नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपको दिखाना है एंगल बी ए डी इक्वल सी ए डी, बी डी पी इक्वल सी डी पी, ये दिखाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो आप कीजिए, एक तो आपका हो गया है, एक आपका ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पर फ्रॉम वन कर लेंगे। नेक्स्ट करने के लिए आपको दो ट्रेंगल कंग्रुएंट करना पड़ेगा, इस ट्रेंगल को इस ट्रेंगल को ठीक है। तो इसमें आपको दो ट्रेंगल है, इन ट्रेंगल बी डी पी, बी डी पी एक ट्रेंगल बी डी पी है, दूसरा ट्रेंगल सी डी पी है। ट्रेंगल सी डी पी, सी डी पी है, क्या क्या आप इसमें बी डी इक्वल, बी डी इक्वल सी डी गिवन है, गिवन यहाँ आपका दिया हुआ है बी डी इक्वल सी डी गिवन है, बी पी इक्वल सी पी, बी पी इक्वल सी पी, ए फ्रॉम सेकेंड ये यहाँ आपका है, फ्रॉम टू
BP equals CP and DP equal DP, common side हो गया, common side है, ठीक है, तो आपका हो गया तीनों साइड है तो कंग्रुएंट हो गया आपका ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी पी कंग्रुएंट ट्रायंगल सी डी पी बाय ये ट्रिपलेस रूल कंग्रुएंस कंडीशन से ये भी कंग्रुएंट हो गया, थ्री साइड्स आर इक्वल तो कंग्रुएंट हो गया आपका ट्रिपल एस से। इंटेंगल बी डी पी एंड सी डी पी, बी डी इक्वल सी डी गिवेन है, बी पी इक्वल सी पी फॉर्म टू यहाँ पर दिया हुआ है, और डी पी डी पी कॉमन है तो ट्रिपल एस कंग्रुएंस कंडीशन से दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो जब ऐसा हो गया तो आपका हो जाएगा बी डी पी, दिस इम्प्लाइज बी डी पी इक्वल सी डी पी, सी डी पी सी पी सी टी, सी पी सी टी। तो दोनों इक्वल है इसका मतलब हुआ ये बाइसेक्ट कर दिया, दैट इज ए पी बाइसेक्ट एंगल डी, एंगल डी को बाइसेक्ट कर लिया, बाइसेक्ट हो गया, इक्वल हो जब दोनों हो गया बी डी पी और सी डी पी इक्वल जब हुआ तो दोनों इसका मतलब बाइसेक्ट हो गया, एक तो इक्वल भाग में डिवाइड हो गया। अगेन आपका दिया हुआ है फॉर्म वन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हम लिखे हैं फॉर्म वन फॉर्म वन एंगल बी ए डी, बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी, दिस इम्प्लाइज जब बी ए डी और सी ए डी इक्वल हो गया तो इसका मतलब हुआ कि ए पी बाइसेक्ट करता है, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, तो आप देख रहे हैं दैट इज ए पी बाइसेक्ट, एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज बेल एज एंगल डी, तो थर्ड पार्ट भी आपका प्रूव्ड हो गया। सेकंड पार्ट यहाँ प्रूव्ड है आपका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट यहाँ प्रूव्ड है, अब फोर्थ पार्ट आपका बच रहा थोड़ा सा, तो थर्ड पार्ट को हम कर लेते हैं। फोर्थ करना है प्रूफ। फोर्थ में क्या करना था, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी बीसी का परपेंडिकुलर दिखाइए और बीपी को सीपी कीजिए, थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो हम करते हैं ये ट्रायंगल एबीपी कंग्रुएंट है, ट्रायंगल एसीपी का ट्रायंगल एबीपी कंग्रुएंट है ट्रायंगल एसीपी, एबीपी तो ये दोनों एंगल
इक्वल हो जाएगा सिंप्लिसिटी से, ठीक है ना। ठीक है, कर लेते हैं। सिंस ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी पी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए सी पी फ्रॉम पार्ट टू में प्रूव किया गया है। फ्रॉम पार्ट टू दिस इंप्लाइज हो गया एंगल ए पी बी इक्वल एंगल ए पी सी, ये हो गया दोनों इक्वल हुआ सिंप्लिसिटी। बट दिस टू एंगल फॉर्म लीनियर पेयर, बट दोनों का सम 180 है। ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी 180 डिग्री। ए पी बी प्लस ए पी बी 180 लेनियर पेयर एक्सियम, लेनियर पेयर बना रहा है दोनों, तो दोनों का सम 180 होगा। और ए पी बी और ए पी सी इक्वल है, तो ए पी सी को रिप्लेस कर दिए हम ए पी बी से, तो सम ऑफ दिस टू हो गया आपका ट्वाइस ए पी बी इक्वल 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल ए पी बी इक्वल 180 बाई टू 90 डिग्री, मीन्स ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ए पी परपेंडिकुलर बी सी, ठीक है। एंड ऑल्सो ए पी इक्वल सी पी, और ए पी सी पी इक्वल भी होगा बी पी इक्वल सी पी सिंप्लिसिटी कंग्रुएंट है तो सिंप्लिसिटी से इक्वल भी होगा, ठीक है ना। दैट इज आप कह सकते हो कि ए पी परपेंडिकुलर बी सी एंड बाइसेक्टेड, मतलब ए पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी हो गया, ठीक। तो आपका प्रूव्ड हो गया फोर्थ पार्ट प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन लॉन्ग पड़ गया, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, ठीक। नेक्स्ट हम आपको क्वेश्चन नंबर टू बताते हैं। क्वेश्चन नंबर टू
इसमें आपका है एडी इज एन अल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल एबीसी इन विच ए बी इक्वल ए सी सो दैट ए डी बाइसेक्ट बी सी एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल ए। ठीक है, तो आप शुरू करो, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या दिया हुआ है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी ए डी अल्टीट्यूड है मीन्स ए डी परपेंडिकुलर बी सी और आइसोसेल ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल ए सी यह दिया हुआ है, गिवन हो गया। बहुत इजी है, छोटा है। इंट्रेंगल ए बी डी ए बी डी एंड ट्रेंगल ए सी डी ए बी आर्च से कर लेते हैं। देखिए एंगल ए डी बी ए डी बी इक्वल एंगल ए डी सी 90 डिग्री हुआ क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर बी सी है। ए डी परपेंडिकुलर बी सी है तो ये राइट एंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया ए बी इक्वल ए सी गिवन गिवन है और ए डी ए डी कॉमन ए डी कॉमन एडी एडी कॉमन साइड है तो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनिज है, ये साइड हो गया। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ए बी डी कंग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बाई आर एच एस कंग्रुएंस रूल बाय आर एच एस कंग्रू आर एच एस कंग्रुएंट रूल ये हो गया। जब ये कंग्रुएंट हो गया तब आपका फर्स्ट दिखाना है ए डी बाइसेक्ट बी सी। दिस इंप्लाइज बी डी इक्वल सी डी सी पी सी टी कंग्रुएंट हुआ तो सी पी सी टी से दैट इज ए डी बाइसेक्ट बी सी पार्ट वन प्रूव्ड हो गया। सेकेंड है ए डी बाइसेक्ट एंगल आल्सो ये भी आपका सी पी सी टी हुआ। एंगल बी ए डी इक्वल एंगल सी ए डी सी पी सी टी से ये भी हुआ दैट इज
AD bisect bisect angle A. पार्ट टू अप्रूव्ड हो गया आपका, पार्ट टू अप्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में आपका फर्स्ट और सेकंड कर दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग क्वेश्चन कुछ होगा उसको कर लेंगे, ठीक है। Thank you. Bye.